राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर सेगांव ब्लॉक के सभी संघों के शिक्षकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सेगांव राहुल चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले शिक्षकों द्वारा 20-50 फार्मूले के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए 16 शिक्षकों को दिए गए आदेश की प्रतियां जलाई गई। वहां से रैली निकालकर शिक्षक तहसील कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन में 20-50 कर्मचारी विरोधी फार्मूले को तत्काल वापस लेने तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों को वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन देने के लिए अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिन 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति 20-50 के फार्मूले के तहत दे दी गई है, तो इसके विरोध में हम लोग हमारे अध्यापक साथियों की वापसी के लिए उनके जो आदेश जारी किए गए उनकी बहाली के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शिक्षकों की कोई भी कमी रही गई हो किंतु उनको उनकी आय के स्रोत से वंचित कर देना और उनके घर परिवार को जमीन पर ला देना, ये एक अशोभनीय कृत्य है। क्या आदेशों की प्रतियों की होली भी जलाई? क्या जी हाँ, उनके आदेशों की प्रतियों की होली जलाई गई और राज्य अध्यापक संघ और समस्त शिक्षक संघ ये विनती करता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अफसरों से, कि वे सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेते हुए जो सेवानिवृत्त किए गए अध्यापक साथी हैं उन सभी को बहाल करें और पुनः सेवा में ले। जो भी कार्रवाई है एक मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। क्या नाम लिखते हैं? जी पंकज कानून। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।